कैसे हो आप लोग? आप सभी लोग कोल्ड ड्रिंक तो पीते होंगे, चाहे कोको कोला हो, फेंटा हो, कोई सी भी कोल्ड ड्रिंक हो। क्या आपको पता है इसके अंदर कितनी चीनी होती है? ये पूरी चीनी की बनी होती है, इतनी होती है, बट पीते टाइम कभी आपको बहुत ज्यादा चीनी लगती भी नहीं है और हम सोचते भी नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि इसके अंदर कितनी चीनी होती है, कितनी शुगर इसके अंदर मिली होती है, क्या पूरी शुगर होती है, कम होती है, तो वो आपको पता चल जाएगा। आज के टाइम में आप देख रहे होंगे शुगर यानी कि ब्लड शुगर जो एक प्रॉब्लम है, बीमारी है, वो बहुत ज्यादा होती जा रही है, जो कि नेचुरल शुगर खाने से, चाहे आप गन्ना फ्रूट कोई भी लेंगे तो उससे नहीं होती है, बट इस तरह की जो शुगर होती है, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक में हो, मिठाई में हो, उसको लेने से बढ़ रही है। तो आज की वीडियो में आपको पता चल पाएगा कि आपको कोल्ड ड्रिंक पीना भी चाहिए, नहीं पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना, तभी आपको पता चल पाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, सबके साथ शेयर भी कीजिएगा वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये जो दोस्तों कोको कोला की बोतल है आप देख सकते हैं 250 ml की है, 20 रुपये की आती है, और इसकी न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन के अंदर जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनर्जी वगैरह सब लिखी है। तो साथ में लिखी हुई है एक शुगर, एडेड शुगर और टोटल शुगर जो लिखी हुई है 10.6 ग्राम, यानी कि 100 ml के अंदर, यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ है पर 100 ml के अंदर 10.6 ग्राम चीनी है। तो चलो निकालते हैं 250 ml की जो ये बोतल है इसके अंदर टोटल कितनी चीनी होगी दोस्तों। तो उसके लिए सबसे पहले एक पेपर पेन ले लेंगे। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि 100 ml के अंदर लिखी हुई है 10.6 ग्राम शुगर, तो 100 ml के अंदर हो गई 6.10 ग्राम शुगर। जो आपका 200 ml होगा उसके अंदर हो जाएगी आपकी 21.2 ग्राम शुगर, और 250 ml की अगर हम बात करें तो इसके अंदर अप्रॉक्स 26 ग्राम के आसपास, यानी कि 26.5 ग्राम शुगर टोटल इसके अंदर है। तो 26 ग्राम शुगर अगर आप अप्रॉक्स काउंट करें कितनी होती है, तो सबसे पहले मैं आपको चीनी लेके दिखा देता हूँ कि 26 ग्राम शुगर कितनी होती है, मतलब 1-2 स्पून के बराबर होती है, कितनी होती है, कितनी नहीं होती है। तो ये मेरे पास शुगर है, इसको मैंने वेट मशीन के ऊपर डाल लेता हूँ और इसके अंदर हम निकाल लेते हैं 26 ग्राम शुगर। तो 26 ग्राम शुगर देखेंगे सबसे पहले कि इस 250 ml की बोतल में कितनी चीनी है। तो ये देखिएगा दोस्तों, ये है 26 ग्राम शुगर। अब इसको इसकी एक 250 ml की कोको कोला की बोतल के अंदर ही डाल के देखते हैं, उससे हमें और ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि इस बोतल के अंदर कितनी चीनी आ रही है। तो ये 26 ग्राम शुगर जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दी, और ये देखिएगा दोस्तों इतनी शुगर यानी कि इतनी चीनी इस कोको कोला के अंदर है। तो अब आप ही खुद सोचिए कि कितनी चीनी इसके अंदर होती है, कितनी सी क्वांटिटी है, गिलास भी नहीं भरेगा ढंग से इससे, और इसके अंदर इतनी चीनी है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सबके साथ शेयर भी कीजिएगा।